सर्किट हाउस पर आज शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, शिलान्यास व लोकार्पण, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरण व आंगनवाड़ी बच्चों की गोद भराई के कार्यक्रम के लाभार्थियों के उद्घाटन के लिए पूरे मंत्रिमंडल समूह के साथ माननीय एके शर्मा कैबिनेट मंत्री आज सर्किट हाउस पहुँचे, जिन्होंने वहां पर शिलान्यास व लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया, जिसमें बरेली के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, ओला के सांसद धर्मेंद्र यादव, नवाबगंज के विधायक डॉक्टर एम पी आर्य, संतोष गंगवार और मेयर उमेश गौतम और आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। आपको बता देंगे कैबिनेट मंत्री ने 119 विकास के कार्यों के लिए शिलान्यास का उद्घाटन किया, जिसमें ज्यादातर कार्य नगर निगम के थे। 86 विकास कार्यों में भी लोकार्पण भी किया गया, 33 शिलान्यास का भी उद्घाटन किया। ये टोटल लागत 65.5 करोड़ की होती है, जिसमें आज कैबिनेट मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व गांव के लाभार्थी वे भी मंत्री जी के द्वारा मकान की चाबी बांटी गई, जिसमें उन लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। फिर उन्होंने आंगनवाड़ी के बच्चों की गोद भराई का भी कार्यक्रम किया, लाभार्थियों को लाभार्थी किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में भी कैबिनेट मंत्री द्वारा एक व्यापक समीक्षा भी की गई, जो 3 से 4 घंटे तक चली। पूरी खबर देखें सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। हमारे और ये लाल सिंह चर्चा करके आ जाए, लाइन से जाइए, लाइन से राजन कृपया करके आए और चाबी प्राप्त करें। माया देवी आ जाए, सागर जी, राम सरोवर जी, अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्र के 4-5 नाम और हैं जिनको मैं बुला रहा हूँ, कृपया करके शीघ्रता से चाबी प्राप्त कर दे। कृपया सभी लोग जरा तालियां बजाते रहे, कार्यक्रम बहुत है, समय थोड़ा कम है तो उसको समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर और जिले से आए हुए हमारे तमाम भाइयों और बहनों, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे विकास कार्यों का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। भाइयों बहनों, इसमें एक और चीज देखने की यह है कि इसमें ज्यादातर कार्य लोकार्पण के, लोकार्पण का मतलब ये हुआ कि वो कार्य पूर्ण होकर के जनता की सेवा में अर्पित किए जा रहे हैं, जनता के चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं। और कुछ कार्य लगभग 1/3 कार्य ऐसे हैं जिनका शिलान्यास होगा तभी लोकार्पण हो पाएगा, तभी पूर्ण हो पाएगा, इसलिए शिलान्यास करना भी आवश्यक है। तो 33 कार्यों का शिलान्यास किया गया है, 65.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ये सब कार्य है। ये ज्यादातर बरेली नगर निगम के हैं, मैं बरेली नगर निगम के महापौर सहित तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों को, पार्षद गण को, उनके जो पदाधिकारीगण हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी श्रृंखला इन कार्यों की है। और इन कार्यों को मंजूर करने में, क्योंकि नगर विकास का कार्य ऐसा है कि ये पैसा कहीं और से लेना पड़ता है, जनता के पास से बहुत मर्यादित पैसा मिल पाता है, लेकिन या तो सरकार से आता है, फाइनेंस कमीशन से आता है, या जनप्रतिनिधिगण से आता है, उनके फंड से, उनकी निधियों से आता है। तो मैं यहाँ बैठे हुए तमाम सांसदगण, तमाम विधायकगण और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद। मंडल की समीक्षा के लिए मंत्री समूह आया हुआ है और उस मंत्री समूह के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी, यहाँ के सांसदगण, यहाँ के महापौर, यहाँ के माननीय विधायकगण हमारे साथ उपलब्ध हैं। अभी जिला कलेक्ट्रेट में बहुत ही व्यापक समीक्षा हुई है, लगभग 2.5-3 घंटे। उसके बाद ये वर्तमान जो कार्यक्रम है उसमें 119 विकास के कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, जिसमें 86 कार्य लोकार्पण के थे और 33 कार्य शिलान्यास के थे, जिनकी समग्र कीमत 65.5 करोड़ रुपए की होती है। ऐसे विकास के कार्यों में जिनमें
ज़्यादातर जो है यहाँ बरेली नगर निगम के कार्य थे, उनका शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है। मैं यहाँ बरेली वासियों को, नगर वासियों को और बरेली जनता के तमाम लाभार्थियों को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी के साथ आज आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में, महिला बाल विकास के कार्यक्रम में, बच्चों की जो गोद भराई का कार्यक्रम होता है, उसी तरह से धात्री माताओं की के स्वास्थ्य के लिए जो योजना चल रही है, उन योजनाओं के तहत भी कुछ माताओं को, बच्चों को लाभ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, ऐसे लाभार्थियों को भी कुछ लाभ यहाँ वितरण किए गए हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो सारे लाभार्थी अपने अपने मकानों से कितने खुश थे। उनके मकानों में सब कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे लाइट हो, पानी हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्थाओं से सुसज्ज